के बाद आप सभी का स्वागत है। जिनके शौर्य से लोकतंत्र सांसे लेता है, जिनके साहस से संविधान सुरक्षित है, जिनके खौफ से सरहद पार बैठा दुश्मन अपनी हद में रहता है, हिंद की जमीन का जर्रा जर्रा जिनका जय घोष करता है, जिनके समर्पण साहस सेवा शौर्य को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, आज उन हिंदुस्तानी जाबाजों की टोली समेत पूरे देश के बड़े ही गर्व की तक का दिन है, क्योंकि आज सेना दिवस है। 72वां सेना दिवस पर सेना कमांड मुख्यालय के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में सैन्य परेड और शक्ति प्रदर्शन के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रिपोर्ट देखिए। जिनके शौर्य से लोकतंत्र सांसें लेता है, जिनके साहस से संविधान सुरक्षित है, जिनके खौफ से सरहद पार बैठा दुश्मन अपनी हद में रहता है, हिंद की जमीन का जर्रा जर्रा जिनका जय घोष करता है, जिनके समर्पण साहस सेवा और शौर्य को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, आज उन हिंदुस्तानी जाबाजों की टोली समेत पूरे देश के लिए बड़े ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज सेना दिवस है। अनुशासन क्या होता है, ये जानिए, सीखिए, समझिए इन वीरों से। सलामी मंच के निकट आता कोर ऑफ सिग्नल्स का दस्ता, नेतृत्व इंडियन आर्मी की फोर्थ जनरेशन ऑफिसर कैप्टन तान्या शेरगिल कर रही है। 72वां सेना दिवस पर सेना कमांड मुख्यालय के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में सैन्य परेड और शक्ति प्रदर्शन के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के हवाले से भारतीय सेना ने ट्वीट कर इंडियन आर्मी के सभी सैनिकों को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सेना के सभी अधिकारियों को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हमारी सेना अपनी वीरता और व्यावसायिकता के लिए जानी जाती है, ये अपनी मानवीय भावनाओं के लिए भी सम्मानित है। जब भी लोगों को मदद की जरूरत हुई, हमारी सेना मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद की है। इस दौरान बीजेपी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट किया। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। इस पर 72वें सेना दिवस पर होने वाली परेड कुछ खास दिखी। 2020 का आर्मी डे बेहद खास है, क्योंकि आर्मी डे के मौके पर पहली बार किसी महिला अधिकारी के पास परेड की कमान है। स्कोर का आदर्श वाक्य, नेतृत्व इंडियन आर्मी की फोर्थ जनरेशन ऑफिसर कैप्टन तान्या शेरगिल कर रही है। कैप्टन तान्या शेरगिल आज की परेड एडजुटेंट। आर्मी डे पर आज कैप्टन तानिया शेरगिल को पहली महिला परेड कमांडर बनने का गौरव हासिल हुआ है। कैप्टन तानिया पुरुषों की परेड का नेतृत्व कर रही हैं। कैप्टन तानिया की चार पीढ़ियों का आर्मी से नाता रहा है। उनके पिता और दादा और परदादा भी आर्मी में ही रहे हैं। सेना दिवस के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख मार्शल आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, साथ ही कहा कि हमारे देशवासियों के दिलों और दिमाग में भारतीय सेना के लिए विशेष स्थान है। सेना में जाति, धर्म और क्षेत्र के ऊपर कभी भेदभाव नहीं किया जाता। मुझे भरोसा है कि आप नाम, नमक और निशान के सिद्धांत पर पालन करते हुए देश के विश्वास पर खरा उतरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि
कि सेना दिवस के अवसर पर हम सभी अपने आप को देश को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि सेना हर चुनौती को स्वीकारने के लिए तैयार है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं क्यों मनाते हैं आर्मी डे। फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में हर साल सेना दिवस मनाया जाता है। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बूचर से प्रभार लिया था। करियप्पा ने 1947 में पश्चिमी सीमा पर भारत पाक के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। वो 14 जनवरी 1986 को फील्ड मार्शल का खिताब प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति थे। 1973 में भारत के पहले फील्ड मार्शल बनने का सम्मान सैम मानेकशॉ को है। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, आत्म साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। दिल्ली में सेना कमान मुख्यालय के साथ देश के अन्य हिस्सों में सैन्य परेड और शक्ति प्रदर्शन के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके सेना दिवस मनाया जाता है। Combat Vehicle. 72वें सेना दिवस के अवसर पर आज दिल्ली में भव्य परेड का आयोजन किया गया। इसकी सलामी पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ली। इस अवसर पर शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले जवानों को मेडल से नवाजा गया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े ने परेड का निरीक्षण भी किया। अपने संबोधन में आर्मी चीफ नरवड़े ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना ऐतिहासिक फैसला है, इससे कश्मीर को भारत से जोड़ने में मदद मिली है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वार जारी है, पाकिस्तान को जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे और ना ही कोई हिचक होगी। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। किसी भी हमले की संभावना पूरी तरह से हमारी नजर बनी हुई है। हम हर तरह की स्थिति से निपटने को तैयार हैं। आप सबका 2020 मंगलमय हो और खुशियों से भरा हो। आर्मी डे 2020 के उपलक्ष में भी आप सबको मेरा मुबारकबाद। आपका चीफ होने के नाते मुझे आप सबकी योग्यता पर और कार्यकुशलता पर विश्वास और नाज है। हमारे सैनिक इस वक्त मुश्किल इलाकों पर तैनात हैं, परंतु वो हमेशा सभी देशवासियों के दिल और दिमाग में रहते हैं। आज इस शानदार परेड में हिस्सा लेने वाले सभी ऑफिसर्स, JCOs और जवानों को, परेड कमांडर और दिल्ली एरिया को एक प्रभावशाली परेड के लिए मेरी हार्दिक बधाई तथा नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में हमारे सैनिक देश के सेवा में समर्पित हैं। आने वालों वर्षों में ऊंचे दर्जे के ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस की मांग बढ़ती रहेगी। भारतीय सेना न सिर्फ आज के चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, बल्कि भविष्य की अपेक्षाओं को दूर करने भी सक्षम है। सेना दिवस के अवसर पर आज फिर हम सामूहिक रूप से अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हैं। जय हिंद। इंडियन आर्मी डे से जुड़ी जानकारी। भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत में कुल 1.4 मिलियन सक्रिय सेना और 11.55 आरक्षित बल है, साथ ही 20 लाख अर्धसैनिक बल है। देश के 80% सक्रिय रक्षा कर्मियों की तुलना में भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना है। भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में सबसे बड़ी योगदानकर्ताओं में से एक है और उसने ऑपरेशन ब्रास टैक्स और एक्साइज शूरवीर जैसे बड़े शांति काल के अभ्यास किए हैं। भारतीय सेना दुनिया की उन कुछ सेनाओं में से एक है जिसने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की है
और उसकी शांति सेना अपनी प्रतिपक्षी प्रयासों के लिए जानी जाती है। भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर में काम करती है जो समुद्र से लगभग 5000 मीटर ऊपर है। ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। 1835 में गठित असम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है। भारत सेना से हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल को अक्सर दुनिया के सबसे कुलीन सैन्य प्रशिक्षण स्कूलों में से एक भी माना जाता है। इस बार परेड में इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल BMP-2 के और K-9 ब्रिज टी आर्टिलरी गन, देश में बनी तोप धनुष, युद्धक T-90 भीष्म टैंक के साथ सेना अपना शौर्य का प्रदर्शन किया। परेड में 18 अलग अलग कैंटीजेंट शामिल हुई। आर्मी डे पर 15 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड और 18 बटालियन को यूनिट साइटेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल ये दिन मनाया जाता है। आर्मी डे पर पूरा देश थल सेना के आदम्य साहस, उनकी वीरता और शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। जय हिंद, जय हिंद की सेना। तो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही।